हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टूअर। दोस्तों जो है आज दुकान पे फ्री बैठा था तो अचानक से आप सभी लोगों का जो मेरे वीडियो पे कमेंट आता वो मैं कमेंट पढ़ने लगा। तो कुछ पॉजिटिव कमेंट थे, कुछ नेगेटिव कमेंट थे, कुछ लोगों का जो है क्वेश्चन था। तो इसी तरह से मैं क्वेश्चन पढ़ भी रहा था कि हो सकता है कि किसी का ऐसा क्वेश्चन हो जिस पे जो है वीडियो मैं बना सकूं। तो ऐसे पढ़ता गया तो बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनमें से जो है एक दो क्वेश्चन मुझे मिले। जैसा कि थंबनेल देख के तो आपको समझ में ही आ गया होगा। एक क्वेश्चन ये था कि सर जो है दुकान से हम कमाते तो हैं लेकिन पैसा सेव नहीं कर पाते हैं, कोई तरीका बताएं जिससे हम जो है अपना पैसा जो है कुछ सेव भी कर सकें। और एक लोगों का क्वेश्चन ये था कि भैया जो है हम 50,000 का अगर सामान मार्केट से लेके आते हैं और वही सामान बेच के जब हम दोबारा मार्केट जाते हैं खरीदारी करने के लिए तो पैसा कम पड़ जाता है, ऐसा क्यों है? तो ये चीज़ें मुझे समझ में आई कि हाँ यार, ये चीज़ें तो बहुत ही काम की है। बहुत सारे लोग इन चीज़ों के बारे में जो है कन्फ्यूज़ रहते होंगे, कभी कभी तो मैं भी कन्फ्यूज़ हो जाया करता था। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, तो ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। हाँ, वो लोग जो है इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं जो इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, और जो जानते हैं या नहीं इंटरेस्टेड है तो वो साइलेंट मूड में जा सकते हैं, कोई मैटर नहीं यार। और वैसे भी वही लोग इस वीडियो पे आए होंगे जिन्हें इसके बारे में जानकारी चाहिए। तो ज़्यादा लंबी बातें इधर उधर की नहीं करेंगे, हम आएंगे टॉपिक पे। लेकिन टॉपिक पे आने से पहले हमेशा की तरह से आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और बिजनेस से रिलेटेड और ख़ास करके इलेक्ट्रिक बिजनेस से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर हमेशा जो है नई नई मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों जो है अब टॉपिक पे आएंगे और बात करेंगे। सबसे पहले किस टॉपिक पे बात करें, दो टॉपिक है कि हम पहले बात करते हैं पैसा हम कैसे बचाएं अपने दुकान से। पैसा बचाने का मतलब कई तरह का होता है, जैसे कि एक मंथली सेविंग, कम से कम मंथली सेविंग कुछ अपनी होनी चाहिए, ये सही है। क्योंकि कमाना खाना तो लगा रहता, लेकिन अगर हम सेविंग नहीं करते हैं तो फ्यूचर में अगर अचानक से हमें कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो वो पैसा हम कहाँ से लाएंगे? दुकान से अगर ठीक है, हम जो भी पैसा कमाए दुकान में खर्चा चलाए और दुकान में डालते गए, लेकिन अचानक से हमें अगर कुछ पैसे की आवश्यकता होगी तो दुकान से हम अचानक से नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसे में जो है हमें कुछ थोड़ी थोड़ी सेविंग करनी चाहिए। तो वो सेविंग जो है किस तरह से हम कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो जो है आप अपने दुकान का जो है अनुमान लगा लीजिए कि आपकी मंथली जो है सेल कितनी हो जाती है, आप एक महीने में कितनी बचत कर लेते हैं, मतलब एक महीने में कितना प्रॉफिट कमा लेते हैं। फिर प्रॉफिट का जो है कितना परसेंट जो है आप अपने पारिवारिक खर्च में खर्च कर देते हैं, मतलब आपकी फैमिली का जो खर्च है महीने का उसको आप एक अपना कैलकुलेशन बना लीजिए। उसके बाद जो बचता है तो उससे आप जो है कुछ सेविंग करना चालू कर दीजिए। मान लीजिए अगर आपने महीने में अगर 20,000 जो है कमाया, 20,000 में से मान के चलिए कि अगर आपके घर का खर्च 10,000, 12,000 या 15,000 है, मान लीजिए एक मोटी मोटा 15,000 आपके घर का खर्च है, 15,000 आपने घर का खर्च निकाल दिया। दुकान वकान का खर्च निकालने की बात कर रहा हूँ, दुकान का खर्च भी है। मान लीजिए सबकी दुकान अपनी तो होगी नहीं, बहुत सारे लोगों की रेंट पर होगी, जैसे कि मेरी खुद रेंट पर है। अपने दुकान का रेंट, बिजली का बिल और जो चीज़ें आपके दुकान के खर्चे, इसको निकालने के बाद आप अपना देख लीजिए घर का कितना खर्च है। उसके बाद जो पैसा बचता है, अगर उसके बाद पैसा बचता है तो जैसे उदाहरण में बताया 20,000 अगर आपका बचा, 20,000 में से 15,000 घर का खर्च हो गया, 5,000 रुपया तब आपके पास बचा। अब 5,000 रुपया में से जो है आप एक लम समाला जो है रेशियो रखिए, ऐसा रेशियो रखिए कि जो ये इलेक्ट्रिक का बिजनेस है, अगर इलेक्ट्रिक के बिजनेस की बात किया जाए तो हमेशा एक जैसा नहीं चलता, और लगभग लगभग जितने भी बिजनेस हैं वो सारे हमेशा एक जैसे नहीं चलते हैं। किसी समय जो है बहुत तेज़ रहते हैं, किसी समय डाउन रहते हैं, किसी समय स्लो रहते हैं। तो एक ऐसा अनुपात जो है निकालिए कि जो आप हमेशा जो है उतना सेव कर सकें। और वो सेविंग आप कहाँ करेंगे? उस सेविंग को जो है आप कहीं अपने घर पर मत सेव करिए कि एक, बहुत सारे लोग होते हैं गुल्लक बना लेते हैं या कुछ अलग सा सिस्टम बना लेते हैं, चलो वहाँ पे मैं रखते गया, लेकिन ऐसा मत करिए। आप जो है एक अपना बैंक में भी जो है आरडी खुलती है, बैंक में आरडी खोल लीजिए अगर चाहिए तो, या पोस्ट ऑफिस पे भी आरडी खुलती है, वो भी आरडी आप खुलवा सकते हैं।
पोस्ट ऑफिस के बकायदे एजेंट भी होते हैं जो आपके वहाँ डेली बाई डेली अगर आप करना चाहते हैं तो डेली बाई डेली आप कलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपकी सेल अच्छी है तो मतलब मान लीजिए अगर आप महीने में अगर 3,000 रुपया या 2,000 रुपया 2,500 रुपया जो भी आप सेव करना चाहते हैं तो उतना पैसा का अगर डेली का रेशियो निकाल के अलग करना चाहते हैं तो अगला डेली आपके वहाँ से आके लेकर चल जाएगा। महीना भी देना चाहते हैं तो महीना पे भी दे सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम लोग महीने पे दो हमारा जो है आरडी चलता है, दोनों जो है महीने पे ही, एक तो अभी 2 साल हुआ ओपन किए और एक का जो है लगभग 4 साल से ऊपर में जा रहा है। तो इस तरह से जो है मतलब एक आरडी खोल लीजिए और लमसम जिस तरह से मैं बताऊँ ये चीज़ें सारी नोट करते हुए। नहीं तो अगर ऐसा आप नहीं करते हैं और आरडी खोल लेते हैं, पता चला कि आपके घर का आपके दुकान की बचत जो है महीने की 15,000 है और घर का खर्च भी 15,000 है, आपने 15,000 रुपये जो बचाए वो 15,000 रुपये खर्च कर दिया, उसके बाद उसमें 1500 या 1,000 या 2,000 या जो भी 500 की आपने आरडी कर दिया तो वो 500 क्या होगा, फिर वो आपके दुकान से माइनस होगा। तो ऐसे में जो है जैसे जैसे आप जब समय होते जाएगा तो वो दुकान से कम होता जाएगा। तो ये चीज़ें ना हो, जो आपकी बचत हो तभी, जब तक बचत आपको नहीं लग रहा कि अभी उतनी बचत हमारी नहीं हो पा रही तब तक इन सब चक्करों में न पड़ी, तब तक आप अपने दुकान को अपने बिजनेस को जो डेवलप करने के चक्कर में पड़िए। मतलब 1-2 साल की अगर बात है तो 1-2 साल आप इसको मैनेज कर ले जाइए। तो लेकिन जैसे ही आपका जो है सिस्टम बन जाता है कि आप बचत करने लग रहे हैं, अपने पारिवारिक खर्चे के बाद भी जो है आपके पास कुछ बच रहा है तो कुछ पैसा उसमें से दुकान में डालिए, कुछ पैसा जो है आप अलग जो है जैसे भी आप सेव करना चाहें। आरडी तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है क्या है कि आप दे देंगे तो भूल जाएंगे कि यार अब इतने दिन जो है मुझे छोड़ना नहीं है, 5 साल या जितने दिन का भी कराएं, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 ही साल का होता है, कम दिन का भी होता है, लेकिन अब उसके बारे में जब आप ज़्यादा इंटरनली जब एजेंट से मिलें या पोस्ट ऑफिस जाएँ या तो बैंक जाएँ वहाँ से आपको जानकारी उसके बारे में मिल जाएगी। तो एक चीज़ तो जो है आपको समझ में आ गई कि आपको किस तरह से आप अपने दुकान से जो है पैसे को जो है बचा सकते हैं आप अपने इमरजेंसी केस के लिए। अब ऐसे में अगर 5 साल के लिए आपने जो है इस तरह से पैसा जमा किया तो 5 साल में आप अगर मान के चलिए कि अगर 1500 रुपये महीना भी जमा किए तो 5 साल में आपने 90,000 जमा किया, ठीक है, 90,000 रुपये आपने जमा कर दिया, उसके बाद जब आपको जो है पोस्ट ऑफिस या बैंक जब भी देगा तो उसको प्लस करके ही देगा। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद दूसरी चीज़ कि सामान जब हम खरीदने जाते हैं मतलब मार्केट से सामान खरीद के ले आते हैं 50,000 का, वही सामान बेच के जब दोबारा जाते हैं तो पैसा घट जाता है। तो देखिए इसमें भी कंडीशन होती है, अगर पैसा घट जा रहा है मतलब 50,000 का सामान ले आए बेचे और फिर मार्केट गए तो सब पैसा घट गया, तो या तो जो है आपने 50,000 का सामान लाया बेचा लेकिन जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट के साथ साथ आपने पूंजी भी कुछ जो है अपने पारिवारिक खर्च में या कहीं भी आपने खर्च कर दिया, या हो सकता है कि उसी में से कुछ और सामान आपने बढ़ा लिया। क्योंकि जब देखिए इंसान की आवश्यकता की जो है कभी पूर्ति नहीं होती है, और जैसे जैसे जो है आपकी दुकान डेवलप होगी, दुकान पे तरह तरह के लोगों के डिमांड आएंगे, मतलब अब मान के चलिए अगर आप आज आपने 10 आइटम रखा है तो उसमें से कुछ सामान ऐसे लोगों कस्टमर आ जाएंगे डिमांड कर देंगे सामान का जो आपके पास नहीं, तो जब नेक्स्ट बार जाएंगे तो उस सामान को भी आप अपने दुकान पर लाने की कोशिश करेंगे, तो ये चीज़ जो है कॉमन है कि पैसा घट जाएगा। हाँ लेकिन अगर उतना ही सामान लेके आ रहे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा रहे फिर भी पैसा घट रहा है तो या तो आपने क्वांटिटी बढ़ा ली है या फिर आपने जो है पैसा कहीं ना कहीं खर्च कर दिया, ये चीज़ें हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें तो बताने वाली चीज़ें बहुत नहीं थी, लेकिन जब लगा कि कुछ लोग भाई इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं सोचा लाओ यार बना ही देते हैं वीडियो, आप लोगों को बता ही देते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह से हैं जिन्हें जो है नहीं जानकारी थी, और जिन्हें जानकारी रही होगी भाई अगर आप भी देख लिए अगर कहीं कुछ कमी रह गया हो तो यार पॉजिटिव कमेंट किया करो, निगेटिव कमेंट मत किया करें, क्योंकि वैसे भी मैं पॉजिटिव कमेंट ही पढ़ता, निगेटिव कमेंट को तुरंत हटा देता हूँ। और आप भी दुकान खोल के रखें तो हमेशा जो है कस्टमर के पॉजिटिव बातों को जो है ध्यान रखा करिए, निगेटिव बातों को ध्यान मत रखा करिए, क्योंकि आपके वहाँ जो है 10 तरह के लोग आएंगे, 10 दिमाग के लोग आएंगे, 10 तरह की बातें करेंगे, कुछ आपको पॉजिटिव जो है सीख दे के जाएंगे, कुछ निगेटिव सीख दे के जाएंगे, कुछ आपको कहेंगे बहुत आप अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत आपका अच्छा रेट है, और कुछ आएंगे कहेंगे अरे यार आप तो बहुत महंगा दे रहे हो, फलनवा दुकानदार जो है यही सामान हमें इतना ही में देला, अब तो आप चक्कर में पड़ गए कि इतने में तो खरीदना है कहाँ से इतने में देते हो। तो अब अगर आप अगर
अगले ने कहा तो ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर करिए, उस चीज़ पे एक बार डिस्कस कर लीजिए जहाँ से आपका माल आता है। अगर वो आपको सही जवाब देता है तो ठीक है, अगर आपको कुछ शक लगता है तो जब मार्केट जाइए तो मार्केट में और भी दुकानें हैं, और भी दुकानदारों से भी संपर्क करिए कि भाई आपकी जो है मतलब इसका क्या खरीद है, क्या रेट पड़ेगा, ठीक है। बाकी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ ही दिया हूँ, वहाँ पर डिस्कस होता ही रहता है। स्टेट वाइज कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं, मतलब कुछ फ़र्क आ सकता है रेट में थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, और ख़ास करके ब्रांडेड चीज़ों में। तो आज का टॉपिक बहुत नॉर्मल टॉपिक था, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ख़ास भी रहा हो। जिनके लिए नॉर्मल रहा होगा वो भी बोलेंगे कि यार फालतू टाइम बर्बाद किए, जिनके लिए खास रहा होगा वो बोलेंगे बहुत अच्छा आपने बताया। तो ये सारी चीज़ें तो आदत सी बन गई है धीरे धीरे आप लोगों के साथ जुड़े हुए रहने की वजह से। तो अब इधर उधर की बातें क्या ज़्यादा किया जाए, आज की वीडियो को फिर करेंगे यहीं पे एंड। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए फिर एक बार कहना चाहूँगा कि अगर अभी चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरह से बिजनेस से रिलेटेड और ख़ास करके इलेक्ट्रिक बिजनेस से रिलेटेड नई नई जानकारी पाने के लिए जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, नहीं पसंद आई है तो कोई मैटर नहीं है, कोई लाइक करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।